Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और जो हमारा आज का व्याख्यान है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी कि पर्सनालिटी थेरीज हमने लास्ट व्याख्यान में पढ़ा था कि पर्सनालिटी होती क्या है व्यक्तित्व क्या होता है व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है अब हम इसमें बात करने वाले हैं अलग अलग पर्सनालिटी के यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत की इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीज़ों में सक्षम होंगे हम सिगमंड फ्रॉइंट का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा हम विशेषता सिद्धांत यानी कि ट्रेड थेरी पर विभिन्न दृष्टिकोण डालेंगे और हम व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी की, की अवधारणा को समझेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सारे सिद्धांतों को तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिगमेंट फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी सिगमेंट फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन दो मॉडल के आधार पर करता है पहला मॉडल जो कि आकारात्मक मॉडल यानी कि टॉपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड की बात करता है और दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल यानी कि डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड एंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की बात करता है हम यह देखेंगे इस थेरी में इस सिद्धांत में कि किस प्रकार सेगमेंट फ्राइड ने इन दोनों मॉडल्स को इन दोनों एस्पेक्ट्स को साथ में लाते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की संरचना की बात की है और उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है तो पहले हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है आकारात्मक मॉडल यानी कि टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड यह सिद्धांत सेगमेंट फ्राइड ने दिया है इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के तीन स्तर बताए जो इस प्रकार से हैं सबसे पहला स्तर उन्होंने कहा कि चेतन मन होता है यानी कि कॉन्शियस माइंड जब हम चेतन मन की बात कर रहे हैं यानी कि कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो हम जो है भी कार्य कर रहे होते हैं हमें उसके बारे की समझ होती है हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करने वाले हैं यह मन वर्तमान से संबंधित कार्यों की बात करता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि मुझे प्यास लगी है और मैंने पानी पिया तो यह हुआ मेरा चेतन मन कॉन्शियस माइंड यह वर्तमान की बात है कि मुझे अभी प्यास लगी और मैंने अभी उठकर पानी पिया जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की या चेतन मन की तो यह हमारे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के कार्यों से संबंधित रख हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं क्या करने वाले हैं यह सब हमारे चेतन मन की अवस्था की बात होती है इसके अलावा सेगमेंट फ्राइड ने अर्ध चेतन मन यानी कि प्री कॉन्शियस माइंड की भी बात करी ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज पर जब मन पर ज्यादा जोर दिया जाए तो वह चीज याद आ जाती है आप शायद कॉन्शियसली चैतन्य मन से उसको सोच नहीं रहे हैं लेकिन अगर आप जोर डालेंगे अपने दिमाग पर अपने मन पर तो वह बात आपको जरूर याद आ जाएगी यह होता है प्री कॉन्शियस जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि आपको आपका मोबाइल नंबर याद नहीं है या आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे लेकिन जब इसके बारे में बात होती है तो आपको आपका मोबाइल नंबर याद आ जाता है तो आपने जब जोर दिया अपने दिमाग पर तो आप उस बात को याद कर पाए तो यह होता है प्री कॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतन मन इसके अलावा तीसरे मन की जो उन्होंने बात करी वह था अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड जो मन चेतना में नहीं होता यह हमारे वर्तमान से लिंक नहीं होता है लेकिन माना जाता है सिगमंड फ्रूड का कहना है कि हमारे व्यक्तित्व की हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम जो कार्य करते हैं उसका उसके ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का यानी कि अचेतन मन का बहुत प्रभाव पड़ता है अचेतन मन हमारा या अनकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं माना जाता है वो एक रिजर्वायर होता है दुख का या ऐसी इच्छाओं का जो हम कभी पूर्ति नहीं कर पाए या ऐसी कामनाओं का जिसके बारे में सोचकर हमें दुख होता है या हम उसकी पूर्ति ना कर पा रहे हैं तो वह कई हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में यानी कि अचेतन मन में दबा के रख देते हैं लेकिन हमारा व्यवहार माना गया है कि कहीं ना कहीं वो जो रिजर्वयर है हमारे अंदर अनकॉन्शियस स्टेट में हमारा व्यवहार उसी से संचलित होता है उसी के द्वारा संचालित होता है ज्यादातर इसमें इस तरीके के चीजें होती हैं जिससे हमें दुख हुआ है जिससे हमें पीड़ा हुई है पेन हुआ है जिसको हम याद करना नहीं चाहते हैं हमने इसको कई अपने मन के अंदर दबा के रख दिया है कभी हमारी कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं हुई उसको हमने अपने मन में दबा के रख दिया है लेकिन सिगमंड फ्रॉयड का कहना है कि यह जो अचेतन मन होता है यह हमारे व्यवहार को सबसे ज़्यादा संचालित करता है इनफैक्ट देखा गया है कि जो हमारा चेतन मन है यानी कि कॉन्शियस माइंड वह हमारे व्यवहार को कम संचालित करता है और अचेतन मन ज़्यादा संचालित करता है तो सिगमंड फ्रूड ने ये टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया ये हकारात्मक मॉडल बताया किसी भी इंसान के मन के स्तर को समझने के लिए इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही उन्होंने गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल की भी बात करी यानी कि डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड एंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इसके लिए उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य का दिमाग या उसकी पर्सनालिटी या उसका व्यक्तित्व तीन तत्वों से बनता है तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें पहला इड ईगो सुपर ईगो यानी कि इदम अहम और पराअहम जब हम इदम की बात करते हैं यानी कि इड तो इसको उन्होंने जन्मजात प्रकृति के नाम से बोला चाइल्डहुड पर्सनालिटी बोला उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है जब वह छोटा बच्चा होता है तब होती है उसमें पहले से ही होती है यह कंपोनेंट, जब आपकी पर्सनालिटी आपके व्यक्तित्व में ज्यादा होता है तब आप वासनाएं और दमित इच्छाओं की पूर्ति में लगते हैं और सिर्फ यही नहीं आप तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जब आपके व्यक्तित्व में ज्यादा मात्रा में होता है तो आपकी जो पर्सनालिटी आपका जो व्यक्तित्व निकल कर आता है वो इरेशनल हो जाता है और इरेशनल इसलिए क्योंकि आप बिना सोचे समझे बाकी लोगों के चिंता किए बगैर आसपास वातावरण की चिंता किए बगैर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा अपने सुख की अपने संतुष्टि की पूर्ति में लगते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है समाज क्या है और दूसरे लोग क्या है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पाया गया है कि यह पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करता है यानी कि अनकॉन्शियस तो अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि किसी भी व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यवहार को सबसे ज्यादा गाइड अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन करता है तो यह होता है इड, यानी यानी कि कि अहम, इदम। अब हम बात करते हैं ईगो की ईगो होती है किसी भी इंसान की रेशनल पर्सनालिटी। अगर आपके व्यक्तित्व में अहम की भूमिका मेन है अहम अच्छी मात्रा में है तो आप कोई भी कार्य सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति अभी भी करेंगे लेकिन सामाजिक नियमों के अनुसार करेंगे इस तरीके के लोग या ये कहें जिनके अंदर अहम या ईगो का कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वह संस्कार आदर्श त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते हैं इसके अलावा तीसरा इसका कंपोनेंट होता है पराअम यानी कि सुपर ईगो जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है व्यवहार का प्रतिमानक सेट करता है कि हमारे क्या व्यवहार होने चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स उसके मानक क्या होने चाहिए इसका विकास अपेक्षाकृत किसी भी व्यक्ति में कुछ देर से होता है अब एक उदाहरण पे बात करते हैं और फिर समझते हैं कि ये इदम अहम और पराअहम है क्या आखिर आप सोच के देखिए आप किसी के जन्मदिन की पार्टी में गए आपको केक खाना बहुत पसंद है बहुत ही ज्यादा पसंद है एक नॉर्मल क्रिया ये कहती है कि जिसका जन्मदिन है वो पहले केक कट करेगा और फिर केक का वितरण बाकी लोगों में होगा और फिर सब लोग केक ग्रहण करेंगे लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में इदम का कंपोनेंट अधिक मात्रा में है और आपको केक खाना बेहद पसंद है तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि जिसका भी जन्मदिन है वह आए और केक कट करें आप उससे पहले ही हो सकता है केक खाने के लिए लग जाएं। और हो सकता है आप एक बार नहीं आप दस बार केक खाएं क्योंकि आपको पसंद है तो ये क्या हुई चाइल्डिश पर्सनालिटी हुई इेशनल पर्सनालिटी हुई जहां पर आप यह नहीं सोचते कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है आप सामाजिक दायरों में रहकर कार्य नहीं कर रहे आपको तो कार्य करना है आपको अपनी संतुष्टि करनी है आपको अपना सुख पूरा करना है इसलिए आप कर रहे हैं बिना यह सोचे कि क्या किसी और को केक खाने को मिला क्या जिसका जन्मदिन है उसने केक को पहले कट किया यह सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता आपके लिए जो मायने रखता है वह है आपकी खुद की संतुष्टि खुद की सुख प्राप्ति इसीलिए हम इसको चाइल्डिश पर्सनालिटी कहते हैं या इन पर्सनालिटी कहते हैं जिसके पीछे कोई आपका रीजन नहीं होता कोई रेशनैलिटी नहीं होती है लेकिन इसी सिचुएशन को इसी स्थिति को अगर हम बात करें कि आपकी पर्सनालिटी में अहम की भूमिका ज़्यादा है या अहम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है तो आप क्या करेंगे आप ये थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे देखेंगे कि चलिए जब केक कट जाए तो चलो हम तब खाते हैं लेकिन केक खाना आपको बेहद पसंद है तो चलिए केक कटा और आपने तुरंत केक खाया आपको बेहद पसंद है तो इसलिए आपने कुछ लोगों से शायद थोड़ा सा छुप कर थोड़ा सा और केक खा लिया क्योंकि आपको पता है कि अगर लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि बताओ तुम ही सारा केक खा जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी आप अपनी संतुष्टि की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सामाजिक दायरे में रहते हुए अब हम बात करते हैं पराअहम की यानी कि सुपर ईगो की तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा कंट्रोल में रहकर खाना चाहिए दूसरों के सामने और वैसे भी मॉरली ये करेक्ट नहीं है कि हम खुद ही सारी चीज़ खा लें खुद ही सारी चीज़ हत्या लें और बाकियों को कुछ ना मिले तो ये क्या हुआ हमारा मॉरल प्रिंसिपल हमारा व्यवहार का प्रतिमानक कि अगर हम किसी जन्मदिन की पार्टी में गए हैं तो एक बार हमने केक खा लिया बस बहुत है चाहे हमें कितना भी अच्छा लगे लेकिन एक बार केक खाना ही एक सही व्यवहार को दर्शा रहा है वहां तो यह देखिए यह होता है कि किस प्रकार कौन सा कंपोनेंट आपके व्यक्तित्व में ज्यादा मात्रा में है तो वो आपके व्यक्तित्व को गाइड करता है सेगमेंट फ्रूट का यह मानना है कि यह तीनों ही ये तीनों एस्पेक्ट्स यानी कि इड ईगो सुपर ईगो ये तीनों एक बैलेंस में होने चाहिए क्योंकि किसी की भी अधिक मात्रा होना आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप हर वक्त मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते रहेंगे तो वह भी सही नहीं है हर छोटी चीज में हम शायद इतना आ, अपने लिए अपने व्यवहार के लिए प्रतिमानक नहीं बना सकते और कहीं ना कहीं अगर हम हर बार ये बात करते रहेंगे तो शायद आप जिंदगी खुल के नहीं जी पाएंगे लेकिन इसके साथ साथ अगर आप में इदम यानी कि इड कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तब भी चीज़ें सही नहीं हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तब तो सिगमेंट फ्रूड ने दो बातों पे बात करी एक तो टॉपोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि मन तीन प्रकार का होता है कॉन्शियस प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस इसके साथ साथ उन्होंने बात करी कि हमारे मस्तिष्क में हमारी पर्सनालिटी में तीन कंपोनेंट होते हैं अब इन दोनों बातों को मिलाकर उन्होंने बात करी आइसबर्ग मॉडल से कंपेयर किया सबसे पहले उन्होंने जब टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड की बात करी यानी कि कॉन्शियस चेतन मन प्री कॉन्शियस अर्धचेतन मन और अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन की बात करी तो उन्होंने इसको कंपेयर किया एक आइसबर्ग से हिमखंड से अगर आप हिमखंड के बारे में जानते होंगे तो हिमखंड का जितना हिस्सा हमें ऊपर से दिखता है उससे बहुत ही ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर होता है जो हमें दिखता ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि जो हमें दिख रहा है जिसको हम आसानी से अपने वर्तमान में देख पा रहे हैं जिस व्यवहार को तो वह होता है कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस लेवल या चेतन मन और जो हमारे थोड़ा सा याद करने पर कॉन्शियस यानी कि दिखने लग जाता है हमारा व्यवहार उसको हम कहते हैं अर्ध मन लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में गहराई में हैं जो चाहती तो है कॉन्शियस माइंड में आना और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके व्यवहार आपके व्यक्तित्व में वो दिखती है फिर तभी हम जब डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं यानी कि इड ईगो और सुपर ईगो तो सिगमंड फ्रीड जी ने ईगो को रखा कॉन्शियस लेवल पे अहम को जो हमें दिख रहा है जो हमारे वर्तमान में चल रहा है और उन्होंने कहा कि जो पराअहम है सुपर ईगो हम इसको थोड़ा बहुत भी अगर याद करते हैं सही मार्ग पे चलना सही मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना तो ये हमें पता होता है और ये तुरंत कॉन्शियस माइंड में आ सकता है और इड यादि की इदम यानी कि हमारी चाइल्डिश पर्सनैलिटी यानी कि हमारी इ पर्सनालिटी पर्सनैलिटी जो ऑपरेट करती है वो करती है अनकॉन्शियस लेवल पे जो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का बेस होती है आधार होती है तो यह थी सेगमेंट फ्रीवड की साइको एनालिटिकल थ्योरी जिसमें उन्होंने दो एस्पेक्ट्स की दो मॉडल्स की बात करी और उन्होंने बताया कि इस प्रकार कहीं ना कहीं एक कंप्लीट बैलेंस होने की बहुत जरूरत है हमारे इड ईगो और सुपर ईगो में क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पोनेंट ज़्यादा मात्रा में होता है तो वह नुकसानदायक होता है किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के लिए और उसके व्यवहार को नेगेटिव भी कर सकता है यानी कि नकारात्मक भी कर सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट थेरी की एरिक एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह मदद करता है उनका यह मानना था कि कहीं ना कहीं समाज हमारे आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है किसी भी इंसान के विकास के या फिर उसके व्यवहार पे या फिर उसके व्यक्तित्व पे उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है इसीलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया और सिर्फ यही नहीं इसमें पूरे जीवन अवधि में में होने वाले विकास को आठ भागों भा, बांटा गया है अतः उनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार समाज एक इंसान की पहचान को बनाने में मदद करता है उन्होंने आठ अवस्थाओं की बात करी जो अलग अलग आयु वर्ष में होती हैं अलग अलग पड़ाव पर होती है अलग अलग स्तर पर होती है फिर उन्होंने बताया कि हर आयु वर्ग में एक साइको सोशल क्राइसिस एक मनोसामाजिक संघर्ष एक इंसान को फेस करना पड़ता है उसका सामना करना पड़ता है और उस संघर्ष को अच्छे तरीके से सामना करते हुए जब वह आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक मनोसामाजिक शक्ति पैदा होती है जो कि उसके व्यक्तित्व का आधार बनती है तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार आठ अलग अलग व्यवस्था अलग अलग एज ग्रुप आयु वर्ग में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जिस आयु वर्ग की हम बात करेंगे वह किसी बच्चे के जन्म से लेकर एक साल तक की होती है इस आयु में एक छोटा बच्चा जिस मनोसामाजिक संघर्ष से गुजर रहा होता है वह होता है विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिस एक बच्चा जो कि ऐसे वातावरण में है जहां पर उसको केयर मिल रही है उसका देख रख उसकी देख रेख उसका रख रखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है उसके माता पिता या जो भी उसकी देख रख करते हैं वह उसको बड़े स्नेह से रख रहे हैं अगर वह रोता है तो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्यों रो रहा है और उस चीज़ का समाधान करते हैं तो इस प्रकार के बच्चे इस प्रकार के बच्चों के अंदर विश्वास करने की शक्ति पैदा होती है वो अपने आसपास के वातावरण पर विश्वास करना सीखते हैं लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई बच्चा इस तरीके के वातावरण में है जहाँ पर उसको या उसके रोने को या उसकी जो भी डिमांड्स हैं जो वो कह नहीं पा रहा लेकिन कोई समझना भी नहीं चाहता उसकी देख रेख उसका रख रखाव बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा अगर वह रो रहा है तो रोने को छोड़ दिया है कोई है ही नहीं उसको पास तो इस प्रकार के बच्चों के अंदर अविश्वास पैदा होता है अपने आसपास के वातावरण के लिए अब इस संघर्ष से जब वह बच्चा जूझ रहा होता है और अगर उसका विश्वास परिपक्व होता है तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति यानी कि आशा पैदा होती है और वह इंसान आशावादी बनता है अब जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अवस्था में यानी कि एक साल से तीन साल इस अवस्था में जो साइको सोशल क्राइसिस होता है मनो सामाजिक संघर्ष होता है किसी भी बच्चे के मन में वह होता है स्वायत्तता वनाम लज्जा तथा शक का यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इस अवस्था में बच्चा अपने से खुद कार्य करने की कोशिश करता है चाहे वो चम्मच उठा के खाना हो चाहे कोई भी कार्य हो अपना खिलौना उठा के एक जगह रखना एक जगह फेंकना कुछ भी हो वह कोशिश करता है अपने कार्यों को खुद से करने की और जब उसे इस चीज में प्रोत्साहन मिलता है तो उसे ऑटोनॉमी का फील आता है लेकिन इसके विपरीत अगर वह खुद से कुछ कार्य करता है और उसे अपने आसपास के लोगों के डांट सुनने को मिलती है कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वह अपने ऊपर ही अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है तो जब हम इस साइकोसोशल क्राइसिस की बात करते हैं इस संघर्ष की बात करते हैं और अगर इस संघर्ष में बच्चा अपने आप को ऑटोनोमस फील करने लगता है तो एक मनो सामाजिक शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व उसके अंदर आता है इसके अलावा जब वह तीन साल से पांच साल की अवस्था में होता है उसने स्कूल जाना चालू किया होता है या प्ले ग्रुप में ही पढ़ रहा है तो जब वो नई चीजें नए वातावरण में थोड़ा आया तो उसने इनिशिएटिव यानी कि पहल लेनी चालू करी अब उसके पास उसका वातावरण थोड़ा और बढ़ रहा था तो उसने देखा और भी गतिविधियां हैं करने की तो जब उसने इनिशिएटिव लेना चालू किया और उसे उस चीज में प्रोत्साहन मिला तो वह आगे बढ़ा लेकिन अगर उसने कुछ नया किया कुछ नई चीजें करी जो कि उसे वातावरण में दिख रही थी लेकिन उसे प्रोत्साहन नहीं मिला तो वह अपने आप में ही गिल्ट में रह जाता है यानी कि अपने आप को दोषी मानता है अगर वह इस संघर्ष से जीतता है तो उसके अंदर एक उद्देश्य की भावना पैदा होती है एक लक्ष्य की भावना पैदा होती है और उसका व्यक्तित्व उसी ओर जाता है इसके अलावा जब छह साल से बारह साल के बीच का बच्चा होता है तो बहुत सारे उसके व्यवहार उसके व्यक्तित्व की संरचना उसके विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चों उसके विद्यालय के संरचना विद्यालय के वातावरण से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसमें वो दो चीज़ों के बीच में संघर्ष करता है पहला तो परिश्रमी बनना उसे लगता है क्योंकि उसके पास अब एक उद्देश्य है तो उसे उस उद्देश्य को पाने के लिए परिश्रम करना है हार्डवर्क करना है और अगर उसे दिखता है कि उस हार्डवर्क का उसे फायदा मिल रहा है या अगर उसने हार्डवर्क किया उसने कोई बहुत परिश्रम वाला काम किया और लोगों ने उसे सराहा उसके आसपास के लोगों ने चाहे वो उसके शिक्षक गण हो चाहे वो उसके सहपाठी हो उन्होंने उसे सराहा तो उसे लगता है कि परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है लेकिन इसी के विपरीत उद्देश्य था लेकिन कहीं ना कहीं परिश्रम अच्छे से नहीं हुआ या वह कर नहीं पाया या ऐसा वातावरण नहीं मिला जिसकी वजह से विफलता ही उसके हाथ लगी और जब विफलता हाथ लगी तो आसपास वाले लोगों ने शायद उसका मजाक उड़ाया जिससे उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी यानी कि हीनता का भाव आ गया अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान को बिना परिश्रम किए आसानी से चीज़ें मिल जाएं, तो भी उसका प्रभाव गलत ही पड़ता है तो अगर इस संघर्ष में जब बच्चे को लगता है कि नहीं परिश्रम ही होना अच्छा है तो वह सामर्थ्य बनता है फिर आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की जिसमें पहचान बनाम संभ्राती यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की बात होती है जब सामने वाले को बच्चे को पता चलता है कि हाँ मेरी भी कुछ पहचान है या फिर उसे कन्फ्यूजन है कि मैं कुछ नहीं हूं मुझे कोई कुछ नहीं मानता मेरे वातावरण में तो इस संघर्ष से जब वह जीतता है तो कर्तव्य परायणता की शक्ति उसके मन में जगा लेती है आरंभिक एडल्टहुड में हम घनिष्ठता बदाम अलगाव की बात करते हैं यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जब इस संघर्ष से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर स्नेह की शक्ति पैदा होती है और सिर्फ यही नहीं 40 साल से 50 साल के बीच आप जिस संघर्ष से जूझ रहे होते हैं वह होता है जननात्मकता बनाम स्थिरता यानी कि जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैगनेशन। उदाहरण के तौर पर अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ अपने बच्चों यानी कि अपने विद्यार्थियों के लिए उनके विकास के लिए तो इसका मतलब आप जननात्मक हैं यानी कि जेनरेटिव हैं आप सोच पा रहे हैं कि मैं क्या एड ऑन कर सकता हूं मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया लेकिन अब मैं अपने विद्यार्थियों को और क्या दे सकता हूं लेकिन जब आपको ऐसी फीलिंग आती है ऐसा विचार आता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो वह होती है स्टैग्नेशन की अवस्था लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि हाँ आप भी कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं औरों की जिंदगी में तो आप इस संघर्ष से जीतते हैं और आप देखभाल की शक्ति आपके अंदर आती है और आप दूसरों की मदद करते हैं साठ वर्ष या उससे ऊपर में जब होते हैं जिस इस अवस्था में तो इसमें संपूर्णता बनाम निराशा यानी कि इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आप अपने पिछले जो आपके पूरा जीवन व्यतीत हो गया है आप उसमें झांक कर देखते हैं और अगर उसमें झांकने के बाद आपको लगता है कि आपने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया कुछ भी आपने अच्छा अर्जित नहीं किया तो वह होता है डिस्पेयर लेकिन वहीं पर आप अपने जब पीछे मुड़कर देखते हैं और आप देख पाते हैं कि अरे वाह मैंने तो बहुत कुछ अर्जित किया है मैंने तो यह भी अच्छा काम किया मैंने तो ये भी अच्छा मेरे साथ हुआ तो इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी और जब यह आप सोच पाते हैं संघर्ष से आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक मेच्योर पर्सन एक परिपक्व इंसान के रूप में आते हैं तो यह थे आठ अवस्थाएं साइकोसोशल थेरी की अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर की परिपक्वता की और अपरिपक्वता निरंतरता की आर्गरिस मेच्योरिटी एंड इमेचरिटी कंटिन्यू एक व्यवहार वैज्ञानिक यानी कि बिहेवियरल साइंटिस्ट क्रिस आर्गरिस का प्रस्ताव है कि मानव के पास निश्चित प्राकृतिक विकास अनुक्रम है यानी कि नेचुरल डेवलपमेंट सीक्वेंस है जैसे या तो संगठन द्वारा बढ़ाया या रोका जा सकता है आर्गरिस ने यह भी प्रस्तावित किया कि सभी लोग एक बहुत ही अपरिपक्व आश्रित व्यक्तित्व से एक परिपक्व और इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिन संगठनों में इस वृद्धि को स्वीकार किया जाता है वह संगठन आगे बढ़ते हैं लेकिन यह भी पाया गया है कि जिन संगठनों में यह वृद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं अग्रेस विकास प्रक्रिया को सात विशिष्ट चरणों में देखते हैं जो कि अपरिपक्व शिशुओं को परिपक्व व्यस्कों में बदलती है तो आइए जानते हैं कि वह सात अवस्थाएं कौन सी हैं जब हम सात अवस्थाओं की बात करते हैं तो हम हर ट्रेड पर देखते हैं जैसे कि हमारा वर्क एटीट्यूड क्या है तो अगर हम अपरिपक्व की बात करें तो हम पैसिव रहते हैं हम निष्क्रिय रहते हैं लेकिन हम अगर परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी की बात करें तो हमारा जो वर्क एटीट्यूड यानी कि काम का रवैया होता है वह सक्रिय हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है सिर्फ यही नहीं अगर हम डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता की बात करें तो हम मूव करते हैं या कोई भी इंसान चलता है एक निर्भरता यानि कि डिपेंडेंस से इनडिपेंडेंस की तरफ और साथ ही साथ जब हम इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी की बात करते हैं तो जब हम अपरिपक्व व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो वहां पे शैलो इंटरेस्ट होता है अनिश्चित दिलचस्पी होती है लेकिन वहीं जब हम परिपक्व पर्सनालिटीज या व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वहां गहरी दिलचस्पी होती है इसके अलावा व्यवहार की बात करें तो जब हम अपरिपक्व होते हैं तो हम एक ही तरीके के व्यवहार को दर्शाते हैं लेकिन जब हम परिपक्व होते हैं हमारे सामने अलग अलग चुनौतियां आती हैं तो हम अलग अलग प्रकार के व्यवहार को अपनाते एवं दर्शाते हैं इसके अलावा अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो जब हम अपरिपक्व होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण शॉर्ट टर्म होता है अल्पावधि होता है लेकिन वहीं पर जब हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो हम एक बड़ी पिक्चर को देख पाते हैं हम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन की बात करते हैं हम दूर की सोच रखते हैं इसके अलावा अगर हम पोजीशन की बात करें तो मेच्योरिटी से इमेच्योरिटी से जब हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो पहले हम सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ पोजिशनों पर होते हैं अधीनस्थ पद पर होते हैं लेकिन फिर हम कामना करते हैं कि हमारा भी पद बढ़े हमारे कार्य के अनुसार सिर्फ यही नहीं जगर, अगर हम जागरूकता यानी कि अवेयरनेस की बात करें तो जब हम हम इमेच्योर अवस्था में यानी कि अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तो स्वयं के बारे में हम जागरूक नहीं होते सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता हमें लेकिन जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं हमें अपने बारे में समझ आने लगता है हम सेल्फ अवेयर होते हैं हमें पता चलता है कि हम कौन सा व्यवहार कहाँ पर कैसे कर रहे हैं क्यों क्यों कर रहे हैं हम कहाँ गलत जा रहे हैं हम इन सब चीज़ों पर सोचने लगते हैं तो इसका मतलब हम परिपक्व हो गए हैं तो क्रिस आर्ग्रिस जी का ये मानना था कि जो भी संगठन अपने कर्मचारियों को मदद करते हैं अपरिपक्व से परिपक्व होने में वह संगठन भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्मचारी एक मेच्योर इंसान एक मेच्योर बिहेवियर एक मेच्योर व्यवहार एक परिपक्व व्यवहार को दर्शाएगा आप इसके अलावा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शील गुण सिद्धांतों की या फिर विशेषक सिद्धांत की ट्रेड थेरी की शील गुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का एक तरीका है विभिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीके के शील गुण पाए जाते हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं इस सिद्धांत में हम ऑलपोर्ट आइसनेक और कैटल के दृष्टिकोणों की बात करेंगे तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलपोर्ट का विचार ऑलपोर्ट ने शील गुण के तीन प्रकार दिए सबसे पहला प्रकार उन्होंने बोला कि कार्डिनल ट्रेट होता है यानी कि कार्डिनल शील गुण एक एकल व्यक्तित्व विशेषता जो एक प्रमुख व्यक्ति की अधिकांश गतिविधियों को निर्देशित करती है यह शील गुण या इस सिद्धांत का यह मानना है कि कार्डिनल शील गुण या कार्डिनल ट्रेट आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से व्यापक होता है यह बहुत कम लोगों में पाया जाता है जैसा कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर दूं गांधी जी गांधी जी अहिंसा की बात करते थे और आप उनके हर व्यवहार में देख लीजिए अहिंसा की ही बात होती थी उनको जाना जाता है उसके लिए अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर के हर व्यवहार में आक्रामकता दिखती थी इसका मतलब ये एक कार्डिनल ट्रेट था जो उनके पूरे व्यक्ति विशेष को उनके पूरे व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करता था इसके अलावा हम बात करेंगे केंद्रीय शील गुण की यानी कि सेंट्रल ट्रेड्स की जो कि केंद्रीय शील गुण होते हैं प्रमुख विशेषताओं का एक समूह होते हैं ये ज्यादातर इंसानों में पाए जाते हैं हर इंसान में करीब पांच से दस सेंट्रल या केंद्रीय शील गुण होते हैं जैसे कि कॉन्फिडेंस शाइनेस, बहिर्मुखता इंडिपेंडेंस इस तरीके से इसके अलावा हम बात करेंगे गौड़शील गुण की यानी कि सेकेंडरी जो कि कम महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करने के लिए जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं आपके खाने पीने की प्रेफरेंस आप नॉर्मली तो शायद घर का दाल चावल रोटी खाते होंगे लेकिन जब आप कहीं बाहर खाने के लिए गए किसी होटल में तो आप चाइनीज या मुगलई या कुछ भी अलग तरीके का खाना खाना चाहते हैं अब ये जो आपका ट्रेट है जैसे कि आप बाहर गए और आपने किसी और तरीके के खाने की चाह को प्रकट किया तो यह आपके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता जैसे कि खान पान आपकी वेशभूषा यह सब आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा तरीके से परिपक्व तरीके से उसका विस्तार नहीं कर सकते उसके बारे में बता नहीं सकते लेकिन फिर भी यह ट्रेट्स यह शील गुण आपके अंदर होते हैं जो कभी कभी बदलते भी रहते हैं आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से तो यह था शील गुणों का सिद्धांत आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइसनिक के योगदान की यह सिद्धांत दावा करता है कि सभी मनुष्यों में लक्षणों का एक मूल समूह यानी कि बेसिक सेट ऑफ ट्रेड्स होता है जो उन्हें मनुष्य के रूप में परिभाषित करता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत स्वभाव भी होता है यानी कि इंडिविजुअल टेम्परामेंट भी होता है आइसनेक ने इस दृष्टिकोण को पेन पी ई एन के नाम पर रखे गए तीन आयामों पर केंद्रित किया और यह तीन आयाम है मनोविकृति सामान्यता यानी कि साइकोटिसिज्म और नॉर्मैलिटी मनोविकृति एक व्यक्तित्व विशेषता है जो सहानुभूति की कमी होती है ऐसे इंसान जिनके अंदर यह ट्रेट पाया जाता है वे दूसरों के प्रति समानुभूति या सहानुभूति नहीं प्रकट करते इसके साथ ही साथ उनको दूसरों के बारे में कभी कोई चिंता नहीं होती लेकिन अगर इसी के विपरीत हम बात करें सामान्यता यानी कि नॉर्मैलिटी टाइप के ट्रेट की गुड़ की लक्षण की तो इसके विपरीत जो लोग मनोविश्लेषण में कम हैं यानी कि मनोविकृति में कम है उनके भावनात्मक रूप से स्थिर यानी कि इमोशनली स्टेबल होने के चांसेस बहुत होते हैं और वह लोगों के बारे में चिंतित भी होते हैं इसके अलावा आज ने बात करी बहिर्मुखता और अंतर्मुखता की यानी कि एक्स्ट्रा वर्जन और इंट्रावर्जन उन्होंने कहा जो लोग के अंदर बहिर्मुखता का ट्रेड ज़्यादा होता है वह लोग अच्छा महसूस करते हैं ऊर्जावन महसूस करते हैं जब वह दूसरे लोगों से मिलते हैं लेकिन इसी के विपरीत जो लोग अंतर्मुखी होते हैं वह अकेलेपन में एकांत एक में रहना पसंद करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने में अच्छा नहीं लगता उन्हें एकांत अच्छा लगता है और एकांत में रहना ही उन्हें ऊर्जावान बनाता है तीसरा जो आइसनेक ने बोला था एन यानी कि न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि मनोविशुद्धता और भावनात्मकता स्थिरता न्यूरोटिसिज्म या फिर मनोविशुद्धता वह ट्रेट है जिसमें एक इंसान हर छोटी बात को लेकर चिंतित हो जाता है परेशान हो जाता है दुखी हो जाता है उसे हर छोटी चीज में परेशानी होती है वो तनाव को नहीं हैंडल कर पाता तनाव से नहीं निकल पाता वह हर समय हर सिचुएशन में अपने आप को तनाव से घिरा हुआ पाता है लेकिन इसी के विपरीत जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं तो वो लोग हर सिचुएशन में हर स्थिति में अपने आप को शांत रखकर चाहे वो खुशी की स्थिति हो चाहे वो दुख की हो किसी में भी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते हर स्थिति में अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं तो ये था आयसनिक का अलग अलग विशेषणों के बेसिस पर ट्रेट्स के बेसिस पर अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व के लक्षणों का पाना इसके अलावा अब हम बात करेंगे कैटल के योगदान की मनोवैज्ञानिक रेमेंट कैटल ने अल्पोर्ट की सूची का विश्लेषण किया और उसे 171 विशेषताओं तक सीमित कर दिया ज्यादातर अनावश्यक या असामान्य शब्दों को हटाकर इन्होंने एक संबंधित लक्षणों की पहचान करने के लिए कारक विशेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस के रूप में जाने जाने वाली एक सांख्यिकी तकनीक यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक का उपयोग किया और इसके द्वारा वह अपनी सूची को 16 प्रमुख व्यक्तित्व कारकों तक सीमित करने में सक्षम हुए इन्होंने दो तरीके के शील गुण की बात करी एक तो सतही यानी कि सरफेस ट्रेट और एक सोर्स ट्रेट यानी कि स्रोत या मूल शील गुण उन्होंने कहा सतही यानी कि सरफेस ट्रेट हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन वह हमारे लिए हमारे व्यक्तित्व में सबको सामने आसानी से दिखते हैं कोई भी उन शील गुणों को ऑब्जर्व कर सकता है जबकि जो सोर्स यानी कि मूल शील गुण होते हैं वह हमारे अंदर होते हैं और उनको आसानी से दूसरे के द्वारा ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यूरोटिसिज्म की तो वह एक मूल शील गुण है जो कि बनता है सतही शील गुणों से दुखी रहना चिंतित रहना अग्रेसिव रहना ये सब मिलकर बनाते हैं न्यूरोटिसिज्म को तो अलग अलग सतही शील गुण मिलकर बनाते हैं स्रोत यानी कि शील गुणों को और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात करी तो वह इस प्रकार थे अमूर्तता यानी कि एबस्ट्रेक्टनेस में कल्पनाशील बनाम व्यवहारिक की आशंका, यानी कि एप्रिहेंशन हम किस हिसाब से करते हैं हम चिंतित रहते हैं या हम आत्मविश्वासी बनते हैं प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस, हम जबरदस्ती दूसरों से कोई कार्य कराते हैं या सामने वाले से विनम्र तरीके से व्यवहार करते हैं भावनात्मक भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी हम एक शांत इंसान हैं या हमारे व्यक्तित्व में हर समय हम चिंतित रहते हैं इसके अलावा जीवंतता मतलब सहज बनाम संयमित की बात करी गई कि हम बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं लाइवली हैं खुशनुमा हैं या हम अपने आप को संकुचित रखते हैं रिस्ट्रेन रखते हैं इसके अलावा इन्होंने बात करी ओपननेस टू चेंज के लिए कि क्या हम लचीले हैं हम आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं या हमें परिवर्तन लाने में मुश्किल महसूस होती है इसके अलावा उन्होंने कहा परफेक्शनिज्म की कि हम नियंत्रित हैं अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं या हम अनुशासनहीन हैं इनडिसिप्लिन हैं इसके अलावा निजता की बात हुई तो प्राइवेटनेस कि हम बहुत ही आसानी से लोगों के साथ खुल जाते हैं या हम अपने आप में बंद रहना पसंद करते हैं हम ज्यादा लोगों को अपने व्यक्तित्व के पास हम अपने पास नहीं आने देते इसके अलावा तर्क और सार तर्क में उन्होंने बात करी सार बनाम ठोस की यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या हम कंक्रीट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यह भी अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व हैं और नियम चेतना यानी कि कन्फर्मिंग वर्सेस नॉन कंफर्मिंग कन्फर्मिंग हम आसानी से दूसरों की बात में बात मिला लेते हैं या हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं इसके अलावा जिस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया वह आत्म था आत्मनिर्भरता कि हम आत्मनिर्भर हैं सेल्फ रिलायंट है सेल्फ सफिशेंट है या फिर हम डिपेंडेंट हैं निर्भर हैं औरों पर अपने आसपास के वातावरण पर अपने आसपास के लोगों पर हम हर कार्य के लिए निर्भर रहते हैं इसके अलावा जिस पर उन्होंने बात करी वह था संवेदनशीलता यानी कि हम कोमल हृदय वाले हैं या हम कठोर दिल के हैं हमें दूसरों की भावनाओं की चिंता है या हम दूसरों की भावनाओं की कोई चिंता नहीं रखते इसके अलावा उन्होंने बात करी सामाजिक साहस की यानी कि बेहिचक बनाम शर्मीला यानी कि सोशल बोल्डनेस तनाव हम बहुत इम्पेशेंट अधीर रहते हैं या रिलैक्स्ड रहते हैं हमारा व्यक्तित्व कैसा है हम सतर्क हैं विजिलेंट हैं सस्पीशियस हैं या हम आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं या लोग हमारे ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं और आखिरी में उन्होंने बात करी थी गर्मजोशी की यानी कि आउट बनाम नॉन फ्रेंडली की कि हम लोगों से आसानी से दोस्ती मित्रता करते हैं या हम नॉन फ्रेंडली नहीं है, है हम लोगों से बात नहीं करना चाहते दोस्ती नहीं करना चाहते तो चलिए जब हम इन सोलह पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात करते हैं तो इनका विभिन्न उपयोग है करियर के विकास में कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा क्या पर्सनालिटी ट्रेट है हमारा क्या व्यक्तित्व है और क्या करियर हमको सूटेबल है इसके अलावा हम यह भी देखते हैं जब हम लोगों को नौकरी पर रखते हैं तब भी हम ये देखना चाहते हैं कि जिसको हम नौकरी पर रख रहे हैं क्या वह सूटेबल है उस नौकरी के लिए तो उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करके हमें पता चलता है इन सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स से कि क्या वह सही इंसान है जिसको हम नौकरी दे रहे हैं इसके अलावा आपके खुद के पर्सनालिटी मूल्यांकन यानी कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप कर सकते हैं इन पर्सनालिटी फैक्टर्स से चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेल्डन के टाइप सिद्धांत की 1940 के दशक में विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने शरीर के प्रकारों को मानव व्यक्तित्व प्रकारों यानी कि पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ जोड़ा शरीर के प्रकार को उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ा जा सकता है ऐसा उनका मानना था उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आपका शरीर होता है उस प्रकार से ही आपका व्यक्तित्व बनता है तो जब इन्होंने बात करी शेल्डन जी ने उन्होंने तीन प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों की बात करी तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया वह था एंडोमोर्फ यानी कि जिनका शरीर गोल आकार के साथ छोटा और मोटा होता है यानी कि शॉर्ट एंड फैटी पीपल जिन्हें खाना पीना बहुत पसंद है मौज मस्ती करना बहुत पसंद होता है यानी कि हैप्पी गो लकी माइंड वह इंसान पाया गया कि स्वभाव से बड़े ही मिलनसार होते हैं और अपने आसपास भी वो जीवंतता, यानी कि खुशियां फैलाने की कोशिश करते हैं वह जब किसी को दुखी देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि, कि किस प्रकार उसके दुख को सुख में बदल पाए इस प्रकार के पर्सनालिटी को शेल्डन ने विस्रोटोनिया कहा अब ये देखिए उन्होंने जो ये टाइप ठेरी दी वो किस बेसिस पर दी किसी व्यक्ति के शरीर के आकार पर कि अगर वो छोटा है मोटा है खाना पीना पसंद करता है वो हैप्पी गो लकी काइंड का होता है वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाने की कोशिश करता है वह चाहे खुद दुखी होगा लेकिन फिर भी वह चाहेगा कि उसके आसपास के लोग खुश रहें तो यह था एंडोमोर्फ दूसरा जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वह था मीजोमोर्फ जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लोग इस प्रकार के लोग काफी हट्टे कट्टे होते हैं उनकी मांसपेशियां हड्डियां काफी अच्छी तरह से विकसित होती हैं और वह शारीरिक रूप से अच्छी तरह के आकार में दिखते हैं।, हैं ऐसा उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शरीर वाले लोग सख्त दिमाग के होंगे आक्रामक जल्दी हो जाते हैं जोखिम लेने को तैयार रहते हैं उन्हें दूसरों पर हावी रहना पसंद है इस प्रकार के लोगों को उन्होंने कहा सोमाटोटन जो कि मस्कुलर हैं जो कि टॉल हैं, उनका हाई बिल्ट है ऐसे लोगों को उन्होंने माना कि वे बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है वह लड़ने के लिए बड़ी जल्दी तैयार होते हैं कोई भी छोटी बात पर वो जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो ऐसा बॉडी शेप जो होता है इस प्रकार के लोगों को उन्होंने रखा मीजोमोॉर्फ टाइप में तीसरा और आखिरी टाइप की बात जो उन्होंने करी वह थी एक्टोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ में ये उन्होंने देखा कि ऐसे लोग लंबे और पतले होते हैं वे अकेले रहना पसंद करते हैं जो लोग लंबे पतले दुबले होते हैं वे अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें एकांत एक अच्छा लगता है उन्हें दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाने में मजा नहीं आता इस प्रकार के लोगों को उन्होंने सेरिब्रोटोनिया बोला ये अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं करते बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते लोगों से संबंध बनाने में दोस्ती करने में खुश्क किस्म के लोग होते हैं जो ज्यादा खुश नहीं होते जब इनको लोगों से मिलने को कहा जाता है तो तो ये तीन अलग अलग प्रकार के बॉडी टाइप्स के बेसिस पर शेल्डन ने लोगों के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया अब जब हम इस थेरी की बात करते हैं तो बहुत जगह माना गया कि हर सिचुएशन हर स्थिति में तो ऐसा नहीं पाया गया लेकिन शोध के बाद पता चला कि ज्यादातर देखा गया है कि जिस प्रकार का आपका बॉडी शेप होता है आपका शारीरिक विकास होता है आप उसी हिसाब से अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व भी शो करते हैं तो विद्यार्थियों हमने इस पूरे सत्र में जिस पर बात करी वे अलग अलग पर्सनालिटी के सिद्धांत थे अलग अलग रिसर्चर्स द्वारा दिए हुए सोशियोलॉजिस्ट द्वारा दिए हुए सिद्धांत थे जिसमें हमने यह जाना कि कैसे सेगमेंट फ्रीड की थेरी हमारे माइंड की मन की अवस्था की बात करती है और साइको एनालिटिकल या साइको सोशल अगर हम एरिक की बात करें तो साइको सोशल सिद्धांत की बात करी गई इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस प्रकार शील गुण कैटल के अनुसार ऑलपोर्ट के अनुसार हमने पढ़े और आखिरी में हमने हर्बर्ट शेल्डन की भी टाइप थेरी को विश्लेषण किया तो आशा करती हूं कि आप सब लोगों को यह सिद्धांत अच्छे से समझ आए होंगे और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात करी उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप अपने ही संगठन में यह देख सकते हैं कि क्या जो इंसान जो कार्य कर रहा है उसका व्यक्तित्व उस कार्य से मैच करता है या नहीं मेल खाता है या नहीं तो यह आपके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आप जो कार्य कर रहे हैं उससे अगर आपका व्यक्तित्व मेल खाता है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं आप अच्छे मन से कार्य करेंगे आप पूर्ण रूप से कार्य करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आशा करती हूं कि आपको आज का व्याख्यान समझ आया होगा धन्यवाद